नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों की। आजकल अगर तत्कालीन समाचार पत्रों को देखें तो लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। इन समाचार पत्रों में ऐसी सूचना देखने को मिल रही है कि सरकार अब ज़्यादातर विभागों में जो भर्तियाँ कर रही है वो संविदा पर कर रही है। हालांकि इसके बारे में हाई कोर्ट ने एक रोक भी लगाई थी, लेकिन चाहे एडेड विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती हो, चाहे GIC इत्यादि LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो, आधे से ज़्यादा पद विभागों में रिक्त हैं। LT ग्रेड का जो पिछला परिणाम है, पिछली भर्ती है, वो अभी पूरी हो नहीं पाई है। और इसी तरीके से एडेड जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके साक्षात्कार अभी कुछ विषयों किए हुए हैं, अब कुछ विषयों को नहीं हो पाए हैं। 2016 की ये भर्ती है। नई भर्ती का विज्ञापन योगी सरकार ने अभी तक नहीं निकाला है। फलस्वरूप अब इन विद्यालयों में संविदा कर्मियों को रखने की सरकार की योजना है और संविदा कर्मियों के विज्ञापन निकाले गए हैं। ये देख सकते हैं, ये समाचार पत्र लिखा शिक्षक चाहिए 436, बात हो रही है इटावा जिले की, 436। इस तरीके से हर जिले से विज्ञापन मांगे जा रहे हैं और आवेदन आए सिर्फ 66। पूरी बताता हूँ मैं कहानी आपको। लिखा माध्यमिक विद्यालयों में इस शिक्षा सत्र में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों से पढ़ाई कराने की योजना बनाई गई है, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों ने इसके लिए बेहद कम संख्या में आवेदन किए हैं। प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के कुल मिलाकर के 476 पद रिक्त हैं, लेकिन इनके लिए 12 जून की अंतिम तिथि जो कल समाप्त हो गई तक कुल 66 आवेदन ही आए हैं। ये देखिए 476 पद खाली हैं और आवेदन आए हैं 66, यानी कि जो सेवानिवृत्त अध्यापक है उनको पढ़ाने पर कोई रुचि नहीं है और जिनको रुचि है उनको नौकरी नहीं है। नीचे लिखा है, अब भला 476 शिक्षकों की कमी ये 66 शिक्षक कैसे पूरी करेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पिछले कई वर्षों से चल रही है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष कुछ शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिससे और भी शिक्षकों की कमी हो जाती है। इस वर्ष शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए विद्यालयों से रिक्तियों की संख्या आदि मांगी गई थी, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पाई थी और मामला बीच में ही लटक गया था। अब नए शिक्षा सत्र में सेवानिवृत्त शिक्षकों से पूरी करने की कवायद की गई है, लेकिन इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई है। जो टीचर रिटायर हो चुके हैं उनसे आवेदन मांगे जा रहे हैं कि आप लोग इन विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं एक निश्चित मानदेय के आधार पर। नीचे लिखा है, इस दिन तक सिर्फ 66 आवेदन ही आए हैं, इधर से तो काम चलने वाला नहीं है। नया शिक्षा सत्र तो शुरू हो गया है, हालांकि अभी पढ़ाई जो है ऑनलाइन ही चल रही है, लेकिन जब कक्षाएं शुरू होंगी तो शिक्षकों की यह कमी परेशान करने वाली होगी और छात्रों के लिए काफ़ी कठिनाई होगी। बिना अध्यापकों के किस तरीके से ये विद्यालय चलेंगे, ये सोचने वाली बात है। और सरकार ने कहा है कि अब नया आयोग बनेगा, उसका ड्राफ्ट अभी मुख्यमंत्री ने देखा था। नए आयोग से ही भर्तियां आएंगी। पता नहीं कब तक नया आयोग बनेगा, कब तक नई भर्तियां आएंगी, कब तक विद्यार्थी अपने अध्यापकों को देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा है, शिक्षकों की कमी से पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा, यह बड़ा सवाल है। ये भी समझा जा रहा है कि इन दिनों कोरोना संक्रमण के दौर में जब बुजुर्गों से घर में ही रहने के लिए कहा जा रहा है, तो इन बुजुर्गों को स्कूल कैसे भेजा जा जाएगा। ये लिखा, सेवानिवृत्त शिक्षक भी स्कूल नहीं जाना चाहते। माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन मांगे जाते हैं और शिक्षा सत्र में यही शिक्षक पढ़ाते भी हैं। इस बार बेहद कम संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आती है, जब युवा इतना लाखों युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार बैठा हुआ है, BEd MEd डिग्री लेकर के उनको सरकार नौकरी नहीं दे पाती है और बुजुर्गों से कह रही है कि आप लोग आवेदन करिए, आप लोग पढ़ाइए। इसी तरीके का बहुत सारे विभागों में, ये सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था, देखिए लिखा है, LT ग्रेड शिक्षक के पद पर संविदा पर होगी तैनाती। गोंडा, राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय स्कूल हाई स्कूल में रिक्त पड़े पदों पर संविदा की तैनाती की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि रिक्त पदों पर तैनाती के लिए शासन ने, तो ये अब इस तरीके की भर्तियां उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और इसीलिए सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है नई भर्ती निकालने की। इसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं, लिखा कैबिनेट की बैठक 9 जून को हुई थी। लिखा सेवानिवृत्त राजकीय पॉलिटेक्निक शिक्षकों को मिलेंगे शिक्षण कार्य के अवसर। राजकीय पॉलिटेक्निक से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष व लेक्चरर
को मिलेंगे शिक्षण कार्य के अवसर। 70 वर्ष से कम उम्र वाले इन शिक्षकों का निश्चित मानदेय 25,000 रुपए प्रति माह पर होगा। तो इन वृद्ध जनों को सरकार क्यों नियुक्त कर रही है जब प्रदेश में इतना बेरोजगार युवा बैठा हुआ है? तो इस तरीके से मानदेय और संविदा पर होने वाली नियुक्तियों का विरोध किया जाना चाहिए। और अगर आप लोग विरोध नहीं करेंगे, सरकार का दबाव नहीं बनाएंगे किसी भी तरीके से, तो सरकार इसी तरीके से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तियां करेगी, संविदा पर नियुक्तियां करेगी, इन सीधी भर्ती नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परियार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।